नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं श्वेता जर्नी टू एंड टीम की तरफ से आपका हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रयागराज का दूसरा भाग। इस ब्लॉग में हम आपको प्रयागराज शहर के अलौकिक मंदिर, कटरा बाजार, आनंद भवन, चंद्रशेखर आजाद पार्क, प्रसिद्ध दर्शनमुखी हनुमान मंदिर और खुसरो भवन के बारे में बताएंगे। कटरा बाजार यहाँ का सबसे पुराना बाजार माना जाता है। यहाँ स्थित प्रसिद्ध इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कारण यहाँ बहुत से स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। कटरा मार्केट से होते हुए हम आनंद भवन पहुंच गए हैं। आनंद भवन के खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सफर को शहर के सबसे प्रसिद्ध भवन से, आनंद भवन। आनंद आते ही सबसे पहले हमें टिकट काउंटर से टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ बूथ तल की टिकट 20 रुपये और दोनों तल की टिकट 70 रुपये है। कुछ कारणों की वजह से दूसरा तल बंद है। हमने टिकट ले ली है तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों को पलटने। उत्तर प्रदेश में 1903 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा आनंद भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। आनंद भवन में म्यूजियम के साथ साथ जवाहर तारा मंडल भी स्थित है, जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। नेहरू परिवार का पूर्व निवास है आनंद भवन। आनंद भवन न केवल इसके निर्माण के कारण बल्कि भारत के इतिहास में प्रमुख भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूल्य है। इस भवन को भारत के संस्कृत आंदोलन के युग की विविध कलाकृतियों और लेखों को दर्शाने वाले संग्रहालय में बदला गया है। ये भवन चीन और यूरोप से लाई हुई लकड़ी के फर्नीचर और दुनिया भर से विभिन्न कलाकृतियों के साथ खूबसूरती से सुशोभित है। यहाँ कई संस्कृत सेनानियों द्वारा दौरा किया गया था ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए योजना बनाई जा सके। 14 वर्ष निवास करने के बाद 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आनंद भवन को भारत सरकार को दान कर दिया गया था ताकि नेहरू परिवार की विरासत को बरकरार रखने के लिए इसे एक संग्रहालय में बदल दिया जाए। अब ये केवल एक ऐतिहासिक संग्रहालय है। आगे इस भवन परिसर में है स्वराज भवन, जहां श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुरानी तस्वीरों और यादों को संजोकर रखा गया है।
भवन से निकलते ही अब हम जा रहे हैं यही पास जहां शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है। ये पार्क गवाह है उस वीर की हिम्मत का जिसने इस देश के लिए यही अपनी जान दे दी। इस पार्क की टिकट सिर्फ 5 रुपए है, तो टिकट लेने के बाद अब हम चलते हैं अंदर। शहर के हृदय स्थल में फैली हरियाली यदि आंखों को सुकून देती है तो इससे जुड़ा इतिहास हमेशा रोमांचित करता है। इसे करीब 150 वर्ष पहले बनाया गया था। वर्ष 1870 में सिक्स कॉन्वेंट के राजकुमार अल्फ्रेड एवं गोथा के प्रयागराज आने की समृद्धि में अल्फ्रेड पार्क बनाया गया। ये शहर के बीचों बीच 133 एकड़ में फैला हुआ है। ये पार्क महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को समर्पित है जिन्होंने अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 27 फरवरी 1951 की सुबह थी, साइकिल लेकर चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क आए और साथी सुखदेव से मिले। किसी ने मुखबरी कर दी, चारों तरफ से गोरों की पुलिस ने घेर लिया। खतरे को आजाद ने बांप लिया और तुरंत मोर्चा संभालते हुए साथी सुखदेव को कवर फायर देकर वहां से जाने के लिए कहा। जामुन के पेड़ की आड़ लेकर गोली चलाते रहे, अंत में एक गोली बची और उन्हें याद आ गया अपना संकल्प और दावा जिसमें उन्होंने कहा था, मैं आजाद था, आजाद हूँ और हमेशा आजाद रहूंगा। अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा, आजाद ही मरूंगा। बस आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर तान दी और हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। अमर जवान के सम्मान में पार्क में उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। निकलकर हम चलते हैं शहर के प्रमुख आलोपिक मंदिर की ओर। पहुंच चुके हैं आलोपी देवी शक्तिपीठ। यहाँ कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, यहाँ केवल एक पालना बनाया गया है जिसे श्रद्धालु देवी का रूप मानकर पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ माँ शक्ति का दाहिने हाथ का पंजा एक कुंड में गिरकर लुप्त हो गया था। अतः ये मंदिर माँ शक्ति के प्रमुख शक्ति पिंडों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का नाम आलोक शंकरी के नाम पर रखा गया है। जहाँ सामान्य दिनों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और वहीं नवरात्रों में माता के दर्शन करने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं।
निकलकर हम चलते हैं सिविल लाइन हनुमान मंदिर की ओर। यहाँ से निकलकर हम चलते हैं सिविल लाइन हनुमान मंदिर की ओर। यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए हम पहुंच चुके हैं दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर सिविल लाइन। ये मंदिर बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया गया है। मंदिर के बाहर बना ये सेल्फी पॉइंट आपको प्रयागराज से जुड़ी यादों को कैमरे में कैद करने के लिए एक स्थान देगा। ये यहाँ का प्रयागराज जंक्शन है। इसके चौराहे को एक विशेष तरह से बनाया गया है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। आगे कुछ दूर जाने पर प्रयागराज स्टेशन से होते हुए हम पहुंच चुके हैं खुसरो बाग। इलाहाबाद शहर के पश्चिम गोर प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास स्थित खुसरो बाग मुगलकालीन इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है। दीवारों से अच्छी तरह घिरा खुसरो बाग इलाहाबाद जंक्शन के करीब ही है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार के 3 लोगों का मकबरा है। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। ये बाग 17 विदे के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और 4 मोटी मोटी दीवारों से घिरा हुआ है। जहांगीर ने इसे अपना आरामगढ़ बनाया था।
बाग में तीन मकबरे हैं, जिनमें से एक मकबरा शहजादा खुसरो का है, दूसरा खुसरो की राजपूत माँ शाह बेगम के लिए बनाया गया था और तीसरा खुसरो की बहन निथार का है। इस मकबरे के ऊपर स्थित है एक विशाल छतरी जो मजबूत संतवों पर टिकी हुई है। वास्तुशिल्प के लिहाज से देखें तो ये तीनों मकबरे में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। हालांकि निथार का मकबरा भीतर से खाली है, उसमें निथार की कब्र नहीं है। अंतिम मकबरा पड़ता है खुसरो का। अपने पिता जहांगीर के प्रति विद्रोह करने के बाद खुसरो को पहले इस बाग में नज़रबंद कर दिया गया था, जहाँ से भागने के प्रयास में खुसरो मारा गया। टूरिस्ट यही देखने ही आते हैं। खुसरो बाग फिनिश। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।